सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान सौम्या सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच को रूबेल के हाथों कैच आउट करवाया था, लेकिन गेंदबाजी करने उतरे फिंच ने सरकार से इसका बदला लिया और मौका मिलने पर उन्हें रन आउट कर दिया। आरोन फिंच ने डेविड वार्नर के साथ 121 रनों की पार्टनरशिप करते हुए 51 गेंदों पर 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 53 रन बनाए, लेकिन 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर सरकार ने गेंद डाली तो फिंच कैच आउट हो गए। बांग्लादेश की बल्लेबाजी के दौरान चौथे की 5वीं गेंद पर तमीम इकबाल स्ट्राइक पर थे और दूसरी तरफ सरकार खड़े थे। तमीम ने शॉट मारा और रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन बॉल फिंच के हाथों में चला गया और उन्होंने विकेटों पर डायरेक्ट हिट मारकर सरकार को मैदान से चलता कर दिया और अपने आउट होने का बदला ले लिया। सरकार 8 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 बनाकर पवेलियन लौट गई। गौर हो कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को और 50 ओवर खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 381 रन बनाते हुए बांग्लादेश को 382 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में उत्तरी बांग्लादेशी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 333 रन ही बना पाई और मैच हार गई। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।